मैं विश्राम मीनाथ साक्सू से हूँ और यहाँ पे RAS में ऑपरेटिव ऑफिसर लगा हुआ हूँ। मैं अपनी तरफ से एक दो मुद्दे पे बात रखना चाह रहा था। सर ने मेरे को बोला कि आप अपनी तरफ से कोई बात रखना। जैसे अपन इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे एंजॉय भी करते हैं और अपने एक घर जैसी फीलिंग यहाँ आती है, इसलिए आते हैं। तो अगली बार से अपन ऐसे करेंगे कि मिल के 5 दिन पहले 10 दिन पहले अपनी अपनी समस्याएं जो है उसको कमेटी के अंदर रखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं और बता भी रहे कि हमें दिक्कत है। तो अभी तो प्रोग्राम चल गया है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगली बार करेंगे। कमेटी के नाम भी आपको बताएंगे, आप भी अपनी तरफ से उसमें बताना, सुझाव देना। इस बार भी दिए लोगों ने, खूब बोला कि आप अपनी तरफ से बातें रखो या प्रोग्राम को आप अपनी तरफ से अपने हिसाब से मैनेज कराओ, लेकिन प्रोएक्टिवली कोई उसमें साथ देता नहीं है। तो हम अगली बार इसके लिए करेंगे और अभी आपको बता देंगे कमेटी में जो 5 लोग हैं उनके हिसाब से कि भाई वो क्या समाधान कर सकते हैं। जैसे मेरे कोऑपरेटिव में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आप SDMC का रजिस्ट्रेशन मेरे सहकारिता विभाग में होता है, तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप में डाल सकते हैं। ऐसे ही सभी विभागों में सभी में होती है। और मैं इसलिए भी कहना चाह रहा था क्योंकि मुझे खुद को प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। कास्टिज जो है उसका मैं खुद यहाँ पे सामना कर रहा था। तो अभी अपन जैसे एक लड़के के तौर पे है तो थोड़ा मैनेज कर पाएंगे, बोलना भी आना चाहिए, अपना व्यवहार जो होना चाहिए कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बहने हैं बेड में, बहने हैं, उनको कितना इशू हो रहा होगा इस चीज़ को। इमोशनली या अपन भावनात्मक रूप से सोचे तो वास्तव में ये बड़ी समस्या थी। तो इस चीज़ का आपका समाधान कर दिया जाएगा। दूसरा एक ये था कि रूबरू करवाएंगे अगली बार, कि जैसे मैं चाक्षु से हूँ तो मैं बोल दूंगा कि भाई मैं चाक्षु से हूँ और ये मेरा नंबर है, तो जितने भाई बहन हैं यहाँ पे वो आपस में उस हिसाब से लिंक कर पाएंगे अपने को। कोई राजगढ़ से है तो वो उस हिसाब से अपने को लिंक कर पाएंगे, मिल पाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत लोग बैठे लेकिन मैं पर्सनली बहुत लोगों को नहीं जानता, वो मुझे पर्सनली नहीं जानते, तो इस चीज़ का फायदा हो जाएगा। और कोई बात रही तो अपन ग्रुप में रख देंगे। 2-3 जो अपनी कुरूतियाँ थी समाज की और अपने समाज का कैसे उद्भव रहा है, अपना इतिहास क्या रहा है, ऐसे कुछ कुछ मुद्दे थे, पर अभी टाइम है नहीं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करने का। मैं कुछ कुरूतियों के बारे में बता अपना